दिल्ली पुलिस विरोध कर रही है। पुलिस का कहना है उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और पुलिस के आरोपों के घेरे में हैं वकील। बीते शनिवार यानी कि 2 नवंबर को दिल्ली की 30,000 अदालत के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद से अब तक कड़कड़डुमा कोर्ट, साकेत कोर्ट में भी वकीलों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की। और इस बीच जहां देश भर के वकीलों ने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया, तो पुलिस वालों ने भी मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया। अपनी आवाज उठा रहे पुलिस वालों को इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने भी संबोधित करते हुए कहा कि ये दिल्ली पुलिस के लिए परीक्षा, अपेक्षा और प्रतीक्षा की घड़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हमको न्याय मिलेगा। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी में पूरी फेयरली इसके बारे में फाइंडिंग आएगी। उसके लिए हमको थोड़ा सा सबर से प्रतीक्षा रखना चाहिए और हम डिसिप्लिन की तरह पेशेंस रखें और शांति रखें। और आप लोगों से मेरी विनती है, वैसे पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प पहली दफा नहीं हुई है। दिल्ली में शनिवार को हुई पुलिस और वकीलों की झड़प देखकर 17 फरवरी साल 1988 का लाठीचार्ज याद आ गया, क्योंकि इसी दिन 30,000 अदालत में तत्कालीन पुलिस अफसर किरण बेदी ने बेकाबू वकीलों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज कराया था। और उस समय भी वकीलों ने खुद को किसी से कम न दिखाते हुए अदालतों में ताले डलवा दिए थे। बहरहाल बीते शनिवार को खाकी वर्दी धारियों के साथ किसी मामूली सी बात पर वकीलों ने जिस तरह से मारपीट की, उसे देख हर कोई सन्न था। घटना के अगले दिन मिले इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटी सी पार्किंग की बात को लेकर ये विवाद यहां से बढ़ा और हंगामा, मारपीट और फिर गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी तक में तब्दील हो गया। तस्वीर में देखिए पुलिस वाले हमलावर हुए वकीलों से अपनी हिफाजत के लिए अपने को लॉकअप में बंद करते दिखे और फिर यहीं वकीलों की गुंडागर्दी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वकील जबरन लॉकअप में ही घुस आए और समझाने के बाद भी वकील पुलिस कर्मियों से हाथापाई और बदसलूकी तक करते रहे। इतना ही नहीं, वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों तक में आग लगा दी। हालात बेकाबू होते देख और लॉकअप में बंद विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा में पुलिस को हवा में भी गोली चलानी पड़ गई। तो अभी तक इस रिपोर्ट में दिखाई गई ये तस्वीरें और मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर झलक रहा इन पुलिस वालों का दर्द, शायद यही वजह भी रही कि अपने हक की आवाज उठाते दिल्ली पुलिस के इन जवानों को दिल्ली पुलिस के मुखिया रहे किरण बेदी और दीपक मिश्रा जैसे सुपर कॉप की याद आ गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।